गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग, सांस लेने की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग को समझने से पहले अपन ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज ब्रेथिंग। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपन जो सांस लेना जो है वो प्रक्रिया है, इसके अंदर क्या है, जैसे वायुमंडल की जो शुद्ध वायु है जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको अपन नासा क्षेत्र नासा मार्ग के द्वारा वो कहाँ पर पहुँचेगी, फेफड़ों में पहुँचेगी। और इस प्रकार से जो बाहर की जो वातावरण की जो शुद्ध वायु है जिसमें ऑक्सीजन है उसका फेफड़ों तक जो पहुँचना है वो कहलाता है निश्वसन, इंस्पिरेशन। और इसके विपरीत जो फेफड़ों के अंदर जो अशुद्ध वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है, उसका पुनः उसी रेस्पिरेटरी पासेज के द्वारा बाहर निकलना, वायुमंडल में निकलना, वो कहलाता है उच्च श्वसन, एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, ये मिलकर के क्या बनाती है, ब्रेथिंग बनाती है। मतलब इस जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलेगा, ब्रेथिंग बोला जाएगा, जिसमें सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। अब इसमें अपन को मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग को समझने के लिए सबसे पहले जो है अपन को जो पूरी एक थोरैकिक कैविटी है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी संरचना देखनी पड़ेगी। क्योंकि वास्तव में जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनके अंदर सिकुड़ने या फैलने की क्षमता के लिए वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो बच्चे गुहा है उस बच्चे गुहा के आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। बच्चे गुहा के आयतन में थोरैकिक कैविटी के जो वॉल्यूम है उसमें कोई भी परिवर्तन होता है उससे जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो अपन थोरैकिक कैविटी की बात करें तो थोरैकिक कैविटी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक एयर टाइट कंपार्टमेंट होता है, वायुरोधी कच्छ होता है। और ये जो थोरैकिक कैविटी है ये डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से वेंट्रल साइड से जो आप देख रहे हो ये स्टर्नम से लेटरल साइड में पार्श में जो है 12 पेयर्स रिब्स होती हैं उनके द्वारा आगे की तरफ नेक के द्वारा, गर्दन के द्वारा, और पीछे की तरफ डायफ्राम के द्वारा क्या रहती है, घिरी रहती है। तो इस प्रकार से ये जो है और जो थोरैकिक कैविटी है, जो वच गुहा है, ये एक एयर टाइट क्या होता है, चैम्बर होता है। और इस थोरैकिक कैविटी में ही क्या रहते हैं, लंग्स स्थित होते हैं, लंग्स सिचुएटेड होते हैं। तो इस थोरैकिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसका सीधा सा फर्क जो असर है वो किस पर पड़ेगा, लंग्स पर पड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे अपन जो ब्रेथिंग की जो मैकेनिज्म है उसको दो स्टेप में स्टडी कर सकते हैं, एक जो है इंस्पिरेशन और दूसरा जो है एक्सपिरेशन, और निश्वसन और उच्च श्वसन। तो इसमें जैसे सबसे पहले अपन इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन को इसमें रिप्रेजेंट किया है, जैसे ये जो दो स्थिति बता रखी है कि इंस्पिरेशन वाली ये वाली स्थिति बता रखी है, एक्सप्रेशन वाली ये वाली बता रखी है। तो इंस्पिरेशन की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये एक्टिव स्टेप है, सक्रिय अवस्था है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो डिफरेंट मसल्स हैं उन मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें जैसे मसल्स की बात की जाए तो जैसे डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर रेडियल मसल्स होती हैं, ठीक है। और जो आपको बताया कि 12 पेयर्स जो रिब्स हैं उसमें जो 2 पेयर्स मतलब पास पास की जो जैसे ये वाली जो दिखा रखी है, जैसे ये 2 रिब्स दिखा रखी हैं, इनके बीच में क्या 2 पेयर्स क्या लगी रहती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स लगी रहती हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि 12 पेयर क्या रिब्स हैं तो इनकी जो नंबर होगा वो कितना होगा, इंटरकोस्टल मसल्स का 11 पेयर्स। और इन 11 पेयर्स में ये जो मसल्स हैं जैसे जो एडजस्ट 2 रिब्स हैं उसके पास में जो जैसे एक
ये वाली जिसका नाम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये आपको दिख रही है, और ये वाली जो मसल्स है ये जैसे पिछली जो रिब्स है उसका ऊपर वाला भाग है, वहां से प्रारंभ होकर के अगली जो रिब्स है उसके निचले भाग तक क्या फैली रहती है, उससे संबंधित होती है। जबकि दूसरी वाली जो है जिनको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहा जा रहा है, ये पिछली रिब्स के निचले सिरे से प्रारंभ होकर के जो अगली रिब्स है उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां तक फैली रहती है। तो इस प्रकार से ये मिलाकर के पूरा कैसा एक क्रॉस लाइक क्या स्ट्रक्चर बनाती है। तो इंस्पिरेशन की जो स्थिति है उसमें क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इन केस ऑफ सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। इंस्पिरेशन में क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप क्या होगा कि जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वो पसलियां क्या आगे की तरफ खिंच जाएंगी, आगे की तरफ बाहर की तरफ क्या होगी, खिंच जाएंगी। और मतलब जो रिब्स का जो फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, और इसके कारण क्या होगा कि जो स्टर्नम है वो स्टर्नम भी क्या होगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। इसी प्रकार इसके साथ साथ जो कि डायफ्राम, जो कि नॉर्मल कंडीशन में डम शेप्ड होता है, गुमदाकार होता है, अब इसकी जो रेडियल मसल्स है इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और अब इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा कि स्टर्नम जो है वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, मसल जो है वो आगे, ये रिब्स जो है वो आगे की तरफ चली गई। तो कुल मिलाकर के जैसे आपको ये डॉट डॉट करके दिखाया है ये कंडीशन, जैसे ये पूरा फ्लैट हो गया, तो उसका जो रिजल्ट है दैट इज द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी, कि जो बच्चे गुहा है उसका आयतन क्या होगा, उससे बढ़ जाएगा। और बच्चे गुहा का आयतन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो प्रेशर है, जो दाब है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होने के कारण जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनको फैलने के लिए क्या जगह उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लंग्स जो है उनको फैलने के लिए जगह उपलब्ध हो गई, तो जो रेस्पिरेटरी पासेज है, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, जैसे ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, नेजल पैसेज है, फिर आगे जा करके जो मतलब अपना ये नेजल चैम्बर्स हो गए, फिर ट्रैकिया है ना, पूरा रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उससे होकर के जो वायुमंडल की जो वायु है, एयर है, जिसमें क्या ऑक्सीजन है, वो एयर क्या करेगी, लंग्स में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि लंग्स थोरैकिक कैविटी में क्या प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके कारण सीधे सीधे जो एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो एयर रेस्पिरेटरी पासेज के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाएगी, लंग्स में एंटर कर जाएगी। और इस प्रोसेस को ही क्या बोला जा रहा है, दैट इज द इंस्पिरेशन, निश्वसन। तो इस प्रकार से निश्वसन जो है वो कैसी है, एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, जिसके कारण क्या है कि जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ और आगे की तरफ खिंच जाएंगी, स्टर्नम जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, जिससे जो डायफ्राम जो कि नॉर्मल कंडीशन में डम शेप्ड होता है, गुमदाकार होता है, वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, दैट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी, और उसके कारण क्या, लंग्स को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो बाहर की जो वायु है, वायुमंडल की जो वायु है, वो रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू होती हुई और लंग्स में क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। दैट द होल प्रोसेस इज द इंस्पिरेशन। अब दूसरी जो स्टेप है जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सपिरेशन। एक्सपायरेशन जो है, उच्च श्वसन जो है, उसके अंदर जस्ट अपोजिट चीजें होंगी। मतलब ये वाली जो पहली वाली जो प्रोसेस थी वो कैसी थी, एक्टिव प्रोसेस थी, ये वाली जो है इनएक्टिव प्रोसेस है। इस वाली प्रोसेस में जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि जो स्टर्नम नीचे खिंच, जो मतलब जो रिब्स पहले आगे खिंच गई थी, ठीक है, आगे बाहर की तरफ चली गई थी, वो रिब्स जो है वो पुनः दोबारा से अपनी जो ओरिजिनल जो उनका मूल स्थान है उस पर ही क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। इसी प्रकार से जो स्टर्नम है जो कि नीचे की तरफ आ गया था, ठीक है, अब वो स्टर्नम भी पुनः दोबारा से लौट करके उसी जो उसकी ओरिजिनल जो पोजिशन है उस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। रिब्स जो है
क्योंकि पहले इधर आ गई थी इंस्पिरेशन के टाइम पे आगे की तरफ खींच गई थी, वो अब पुनः क्या होगा, नॉर्मल जो सिचुएशन है उसी नॉर्मल जो पोजीशन है उसी पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स हैं वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी, तो उसके कारण से जो डायफ्राम फ्लैट हो गया था वो डायफ्राम पुनः अगेन क्या होगा, ड्रम शेप्ड कंडीशन में आ जाएगा, मतलब अपनी जो ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन थी उस पर ही आ जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है, इन सारी चीज़ों का जो परिणाम है वो क्या होगा, दैट इज द डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी, कि बच्चीय गुहा का जो आयतन है वो बच्चीय गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस बच्चीय गुहा का आयतन कम होगा तो उसका सीधा सा फर्क जो है, सीधा सा असर जो है वो किस पर पड़ेगा, लंग्स के ऊपर पड़ेगा, लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अब थोरैकिक कैविटी का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ तो इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसको वो प्रेशर किस पर पड़ेगा, लंग्स पर पड़ेगा। तो लंग्स पर पड़ेगा तो लंग्स के अंदर जो एयर जो कि कहाँ से आ रही है, जिसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि टिश्यू और सेल्स के थ्रू आई है, जो जिस मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो एयर है इसमें, वो आप बिल्कुल रिवर्स, मतलब रिवर्स से मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, मतलब लंग से जैसे ब्रोंकस में फिट रह किया में, ठीक है, फिर आगे होकर के वही नेजल चैम्बर्स, फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होगी, फिर से एयर में क्या है एटमोसफियर में रिलीज कर दी जाएगी, मतलब जो वायु इसके लंग्स के अंदर भरी हुई थी उस वायु को मतलब क्या वातावरण में भेज दिया जाएगा, वातावरण में क्या होगा उसको रिलीज कर दिया जाएगा, और इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रेथिंग की जो प्रोसेस है उसमें दो स्टेप्स हैं, एक इंस्पिरेशन है दूसरी एक्सप्रेशन है। अब इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों क्या जस्ट अपोजिट स्टेप्स हैं, जो इंस्पिरेशन में जो चीज़ें होती हैं उसके जस्ट अपोजिट किसमें होती हैं, एक्सप्रेशन में होती हैं, और ये दोनों मिलकर के पूरी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, इसमें सांस अंदर ले रहे हैं जिसको इंस्पिरेशन बोल रहे हैं, फिर जो लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु भरी हुई है उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। ये दोनों प्रक्रिया होती हैं, और जनरली जो ब्रेथिंग टाइम होता है इन एडल्ट ह्यूमन मतलब हेल्दी ह्यूमन में वो लगभग 16-20 पर मिनट, मतलब एक मिनट में 16-20 बार के करीब ये होता है ब्रेथिंग जो टाइम है। तो इस प्रकार से जो ब्रेथिंग की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ जानी चाहिए, ब्रेथिंग की मैकेनिज्म समझ में आ जानी चाहिए, ये दोनों स्टेप्स समझ में आ जानी चाहिए, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, निःश्वसन और उच्छ्वसन, और ये दोनों प्रक्रिया कैसे संपन्न होती हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो लंग्स होते हैं लंग्स के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, उनके अंदर जो भी मतलब उसके लंग्स के में जो भी लंग्स के अंदर चेंज हो रहा है उसके लिए वो फुली डिपेंडेंट रहते हैं थोरैकिक कैविटी के वॉल्यूम पर, कि थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका सीधा सा जो असर है वो किस पर पड़ेगा, लंग्स पर पड़ेगा। तो इसमें वही प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है कि एक बार जो है इंस्पिरेशन के टाइम पर थोरैकिक जो कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे लंग्स क्या होते हैं फैल जाते हैं, और उससे क्या है कि एटमॉस्फेयर की जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन है वो थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज होती हुई लंग्स में एंटर कर जाएगी, इसको इंस्पिरेशन बोला जा रहा है। और जब ये दूसरी वाली जो प्रक्रिया होती है जो कि इनएक्टिव फेज होती है एक्सप्रेशन, उसके अंदर जस्ट पुनः जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती हैं, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, तो उसके कारण फिर से क्या होगा कि जो थोरैकिक कैविटी है थोरैकिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा लंग्स के ऊपर, और प्रेशर लंग्स के ऊपर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो एयर है वो अगेन उसी रेस्पिरेटरी पासेज के थ्रू होती हुई एटमॉस्फेयर में क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी, जिसको क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेशन बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों स्टेप्स ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। थैंक्स।